नमस्कार। उम्र के हिसाब से सेक्सुअल प्रॉब्लम बढ़ते रहता है, उसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। एक पेशेंट के बारे में बात करूंगा ताकि आपको समझ में आएगा, और आपके जैसे लोग होंगे कि जो उनको भी ये प्रॉब्लम होगा तो उनको समझ में आएगा अपने को क्या करना चाहिए करके। ये 52 साल के व्यक्ति है और उनको सेक्सुअल प्रॉब्लम है, उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम है, टाइटनेस नहीं आता है। एलोपैथी की बहुत सारी दवाई लिया मगर जैसा चाहिए उतना स्टिफनेस नहीं आता है। मॉर्निंग इरेक्शन तो आते ही नहीं, जिसको मॉर्निंग वुड बोलते हैं, मॉर्निंग इरेक्शन आता ही नहीं। जैसा मैंने पहले कुछ वीडियोज में बताया कि मॉर्निंग इरेक्शन यदि आता है तो इसका मतलब बॉडीली प्रॉब्लम है नहीं, ब्रेन का प्रॉब्लम नहीं है, नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम नहीं है, बॉडी का प्रॉब्लम नहीं है। कब मॉर्निंग इरेक्शन आता है, तो मॉर्निंग इरेक्शन नहीं आ रहा है इसका मतलब यह है, एक मतलब कि भाई आपको कुछ ना कुछ नर्वस सिस्टम का, नर्व्स का प्रॉब्लम होगा या ब्लड वेसल का प्रॉब्लम होगा। अब इनको मॉर्निंग इरेक्शन नहीं आ रहा है, और जब इरेक्शन आता है तो जितना चाहिए उतना कठोरता नहीं है। तभी जब उनको मैंने बोला ठीक है अभी आप ऐसा करो टेस्टोस्टेरोन टेस्ट कर लो, टेस्टोस्टेरोन लेवल भी कम आ गई, एलोपैथी की दवाई से फायदा नहीं हो रहा है। फिर मैंने बोला कि भाई ठीक है आपने कभी शुगर टेस्ट किया, बोले नहीं। मैंने बीपी टेस्ट किया, बोले नहीं। मैं शुगर टेस्ट कर लो, शुगर टेस्ट किया तो 500 पता नहीं कब से शुगर बढ़ी हुई है, पता नहीं ब्लड तो चेक किया उसका तो 170/110। क्या हो रहा है, आपने कभी चेक नहीं किया 52 साल की उम्र में, कभी नहीं किया। तो ब्लड प्रेशर से जो जो ब्लड वेसल्स है उसकी जो अंदर की जो कवर रहती है अस्तर, वो मोटी हो जाती है, एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। डायबिटीज से भी वही होता है, और डायबिटीज से नर्व डैमेज भी होता है। मतलब कितना अंदर डैमेज कर दिया होगा डायबिटीज और ब्लड प्रेशर में, और उनको पता ही नहीं, कभी टेस्ट ही नहीं किया। आजकल तो लोग 35-40 साल की उम्र में तुरंत शुगर कर लेते हैं, ब्लड प्रेशर चेक कर लेते हैं। फिर उनको मतलब ये आपको कंट्रोल लाना पड़ेगा, क्योंकि क्या हो रहा है कि फिर आपको यदि इरेक्शन नहीं आ रहा है, उम्र है 52 साल की, आप बोल रहे हैं कि भाई 46 साल की उम्र है आपकी पत्नी की, वो चिड़चिड़ करती है, बोलती कम से कम हफ्ते में एक बार तो होना चाहिए, और वो आपका एक बार भी नहीं हो रहा है। पिछले वो बता रहे कि 1.5 साल में उनका हुआ ही नहीं। तो शादी टिकने के लिए भी जरूरी है सेक्स होना। तो उनको मैंने पहले शुगर कंट्रोल लाओ, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करो। उनको दवाई दिया मैंने शुगर कंट्रोल की, डायबिटीज़ की, ब्लड प्रेशर की दवाई दिया। जैसे ही उनकी दवाई चालू हो गई और शुगर कम होना चालू हो गया, ब्लड प्रेशर कम होना चालू हो गया, तो उनको वैसे अच्छा लगने लगा, बहुत ही फीलिंग गुड, एक हल्का सापन उनको आ रहा है, एक चुस्तपन आ गया, जो सुस्तपन आ गया था उसके पहले चुस्तपन आ गया, एनर्जी आ गई। और उनको बोले कि मेरा अभी मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है, फीलिंग बहुत अच्छा हो रहा है। पूरा उनका 1 महीने के अंदर शुगर कंट्रोल में लाया, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में लाया। और फिर मैं बोला अभी आप सिलडाना फिल लो, टाडाला फिल लो, जो भी लेना है लो, क्योंकि अभी जो डैमेज हो चुका है वो तो हुआ ही है। डैमेज वो जो ब्लड वेसल का हुआ है, जो नर्व का हुआ है, वो तो हुआ ही है, शुगर जो बढ़ी है उसकी वजह से। तभी आपको दवाई थोड़ी लेनी पड़ेगी, दवाई लो, और दवाई के बाद में एक बार कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप हो गया, बाद में आप दवाई छोड़ के देखो। तो वैसे किया, फिर बाद में हमने सिलडाना फिल दिया उनको 100 मिलीग्राम गोली रोज रात को 2 घंटा पहले। काउंसलिंग किया पत्नी को, उनको बोला कि आप उनको लेके आ जाओ, उनको भी आप ऑनलाइन बात करेंगे उनके साथ में लेके आएंगे, तो उनसे बात कर उनको बोला भाई ज़्यादा डिमांडिंग मत रहो, अभी उनके साथ में काइंड रहो, समझ लो कि भाई उनको प्रॉब्लम है, ये डायबिटीज इतना बड़ा हुआ है, तो आप समझ लेंगे तो उनके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा, डिमांड नहीं करेंगे तो प्रेशर नहीं आएगा, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो काउंसलिंग भी किया, मास्टर्स एंड जॉनसन टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए बोला, दवाई दिया, सब देखिए अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने में उनका सब क्लियर हो गया और बहुत खुश हो गए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो सभी सीनियर सिटीजन को शेयर करो। लोगों लगता है कि 55-60 हो गए कि बस अब कुछ नहीं बचा हुआ है, अब क्या सेक्स करना है, बच्चे बड़े हो गए हैं, और फिर दोनों में अनबन हो जाती है, क्योंकि वाइफ को लगता है कि सेक्स करना चाहिए, वाइफ यूजली हमारे संस्कृति में छोटी रहती है उम्र के हिसाब से। तो लोगों को शेयर करो, आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।